तो गाइस आज हमने कर दी है भूगड़े के लड्डू डालने की तैयारी। ये देखो मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। ये मगज, ये दाल मखाने, ये काजू, ये मीठा और ये प्योर घी। दिख रहा है कितना अच्छा प्योर घी है। और ये है बादाम। और मैं दिखा रही हूँ आपको ये कैसे बना रही हूँ। बहुत अच्छे और टेस्टी बनाती हूँ मैं। अभी मैं थोड़ा घी गरम कर रही हूँ और इसमें बादाम और काजू को फ्राई करूँगी और फिर मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कैसे बना। गाइस ये देखो मैंने इसमें डाले हैं बादाम तेल गरम होने के बाद। और इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे, इनको मिक्स करेंगे। वैसे तो वैसे भी मिक्सी में मिक्स करके इसमें मिला सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे घी में फ्राई करके मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत अलग आएगा। और एक गैस पिक्चर बन रही है मेरी चाय। इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं होता, क्या करूं। तो गाइस देखो ये बादाम बिल्कुल ऐसे लाल लाल हो जाते हैं, तब इसको घी में से निकाल लेंगे। तरह से हम सारे बादाम निकाल लेंगे, छोड़ना नहीं है कढ़ाई में एक भी। अभी आ गए काजू, एक दो तो मैं खा लेती हूँ। मीडियम फ्लो नहीं रखनी गैस, पूरी हाई फ्लो रखनी है, बीच में मीडियम करनी है। ओके, ये मेरी एक फ्रेंड ने बताया था बहुत अच्छा तरीका बनाने का, ये मैं खा लेती हूँ गाइस। ये देखो गाइस काजू का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, हो रहा है। अब इसको निकाल लेंगे हम घी में से। करेंगे गैस स्लो। देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है इनका। एक दाल मखानों को फ्राई करेंगे, इसमें बहुत पावर होती है। और मेरा बेटा दक्ष तो कटोरी में डाल के ऐसे ही खा लेता था, इसको मम्मी ऐसे ही दे दो ऐसे ही दे दो, बहुत अच्छा होता है ये, बहुत पावर होती है। और जिसकी हड्डियों में दर्द होता है ना उसके लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर वैसे भी निभा के डेली खाए ना ये तो हड्डियों में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होती हैं हड्डियाँ, इतने पावरफुल होते हैं ये। लड्डू भी अच्छा ठीक है। ये सेकंड टाइम डाला है मैंने इसमें, कुछ तो फ्राई हो गए और कुछ रहते हैं फ्रिज में। हेलो चिकी, हेलो, आ गए आप स्कूल से? अच्छा जी, कैसा रहा आपका स्कूल का डे? बहुत अच्छा। और आपको पता है मैं आज क्या बना रही हूँ आपके लिए? लड्डू। लड्डू? कौन से लड्डू? वे बुगड़ो के चने वाले लड्डू नहीं होते जिसमें खूब सारे काजू बादाम मिला के खाएंगे बड़े छोटे छोटे। तेरे को पता ना मैं कितनी पतली हो गई हूँ। देखो ये मैं इसमें बुगड़ों के लड्डू में थोड़ा सा गूंद भी मिलाऊंगी, कितना अच्छा गूंद है देखो, कितना अच्छा फूल गया, कितना अच्छा रंग आया इसका, इसे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और वहाँ प्रियंका और चनों को पीस रही है बारीक बुगड़ों को,
उसका काम दिया मैंने वो पीसने का। बहुत अच्छा मजा आएगा। पहले मैं जो गूंद डलवाती थी मेरे तो हाथ में छाले गिर जाते थे पीसने में, लेकिन अब मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसमें ऐसे किया जाए। इतना मटेरियल तैयार कर लिया है भाई, अब इसमें चम्मच दिए जी मुंह में। आप सब लोगों के पानी आ गया होगा, मेरे तो आ गया। ठंडा होने देते हैं इसको, फिर इसमें मिलाएंगे हम मीठा और घी। क्या लड्डू बना रहे हो? हाँ जी लड्डू बना रही हूँ मैं, आप ये खाओ। ये देखो मगज, ये बहुत ही ठंडे होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। पहले हम अपनी छतों पे खा के कचरे बीज निकाल के सुखाते थे, लेकिन अब आजकल के पास टाइम कहाँ है, अब तो सिर्फ पैकेट की चीज़ें चलती हैं, लाओ और खाओ। तो गाइस हमारा हो गया मटेरियल कंप्लीट, इसमें अब हम डालेंगे घी और स्वाद अनुसार मीठा, फिर उसमें उससे हम लड्डू बनाएंगे। ओके मैंने घी भी गर्म कर लिया है और अपना मटेरियल भी रेडी कर लिया है। देखो हमारे घी की प्योरिटी। अब ये दोबारा से गर्म करेंगे, फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो गाइस देखो मेरे लड्डू की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना के और इसमें डालूंगी, ठीक है? फोकस। हेलो गाइस, तो मेरी सबसे प्यारी छोटी सी प्यारी सी मुनिया सी चिक्की, ये ले सबसे पहले मैं चिक्की को दूंगी। तो गाइस ये मेरे लड्डू गोपाल का, जो खा के वो बहुत खुश हो जाएगा, वैसे भी मैंने उसका नाम लड्डू रख रखा है। ले चिक्की कानों को दे क्या। तो गाइस ये देखो मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं, अरे ये भी बनती है, लोली भी बनती है, ठीक है? आप देख देख के मोटे हो जाओ। कैसी शक्ल लग रही है, अच्छी लग रही है ना।